केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भवन एक साल पहले भागलपुर की बरारी में बनकर लगभग तैयार है। केंद्र सरकार की ओर से अस्पताल में सभी उपकरण भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की जानी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं की गई, जिस कारण से यह हॉस्पिटल चालू नहीं हो सका है। अत्याधुनिक मशीनों से लैस हॉस्पिटल में सभी मशीनें धूल फांक रही है। अस्पताल को चालू करने की सभी डेडलाइन फेल हो चुकी है। एक बार फिर से दिसंबर से जनवरी माह तक अस्पताल में ओपीडी सेवा चालू करने की कवायद तेज हुई है। बता दें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरू हो जाने से भागलपुर ही नहीं बल्कि मुंगेर, बांका सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों को इलाज कराने में आसानी हो जाएगी। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज अस्पताल में मरीजों का दबाव भी कम हो जाएगा। वैसे मरीज जिन्हें बेहतर इलाज के लिए राजधानी दिल्ली और पटना रेफर किया जाता था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हो जाने से वैसे मरीजों का इलाज यहां संभव हो पाएगा। मैं आज रिव्यू बैठक कर रहा था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 6 विभागों का 6 से 7 विभागों का स्पेशली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं लगातार ये ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हमारा ये था। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में था इसको लग करके, और लगभग अभी तक 300-350 करोड़ की 300 करोड़ की लागत से या हॉस्पिटल अन्य भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देना है, तो आज स्थिति ये है जिसमें 60-40 का था, केंद्र सरकार का 40% राज्य सरकार को देना था। दुर्भाग्य है कि आज तक बहुत सारी राशि 100% राशि जो राशि मैंने 100% राशि केंद्र का बहुत पहले साल भर पहले ही आपको मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो राशि भी नहीं मिली। और उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात, जो मैंने आज से 5 महीना पहले उस समय यहाँ के डॉक्टर सुपरिटेंडेंट जो रिटायर कर गए, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं अगले 2 से 3 महीने में ओपीडी 2 विभाग का चालू करूँगा, एक न्यूरो का और दूसरा कार्डियो का, कार्डियोलॉजी का। लेकिन आज तक हॉस्पिटल में सारे मशीन बड़े बड़े, मतलब जो आप कहते हैं MRI से लेके सारे मशीन आ गए हैं, मशीन लगे भी हैं, धूल चाट रहा है। 99% भारत सरकार का 100% काम पूरा हो गया है, और काम पूरा आज नहीं बल्कि बिल्डिंग बन गया 1 साल पहले। कोविड के कालखंड में भी मैं इसका रिव्यू कर करके और उसको बिल्डिंग को कुछ महीने बनते नहीं तो प्राय चालू होता रहा, और काफी विलंब हो गया है। आज तक मेडिकल कॉलेज के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यहाँ डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट, यहाँ 6-7 जो सुपर स्पेशलिटी उसके इंचार्ज बनाना, कोई तैयारी नहीं हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और ये पूरी तरह से कहा जाए कि सारी मशीनें करोड़ों रुपए की वो धूल चाट रही है। इतनी अव्यवस्था आज तक, मैं स्वयं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहा हूँ, आज प्रकृति का स्वास्थ्य देखता हूँ। इतनी अव्यवस्था कुव्यवस्था देश के अंदर किसी राज्य की नहीं होगी। अभी तक सुपर स्पेशलिटी के जो हैंडओवर की प्रक्रिया है वो चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिसंबर तक शायद वो लोग हम लोगों को पूरा बिल्डिंग का हैंडओवर कर देंगे। सर, कौन कौन से विभाग को शुरू किया जाएगा? विभाग को शुरू करने के लिए जहाँ तक सवाल है, ये तो हमारे सरकार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से यहाँ पर स्पेशलिस्ट पोस्ट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग खोलेंगे। सर, क्या सुविधा क्या 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 होगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी उसमें? उसमें कुल 7 बीमारियों के लिए खोला जा रहा है ना, जैसे हुआ न्यूरो सर्जरी हुआ, कार्डियोलॉजी हुआ, ट्रॉमा हुआ। ऐसे में होता था मायागंज अस्पताल में
मरीजों की संख्या बढ़ती थी, तो वहाँ बनने के बाद क्या लग रहा है कि घटेगी मरीजों की संख्या? नहीं, वो तो सुपर स्पेशलिटी विंग है कि अलग सा विंग ही रहेगा वो, तो यहाँ तो घटने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ से हम लोग कुछ केस को जो अवस्था के क्रम में जो बाहर जाते थे, ये जब पूर्णतः काम करने लगेगा तो वो लोग अब वहाँ जाकर अपना इलाज की सुविधा उठा पाएंगे।